हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मेड इजी विद बिश्नोई सिस्टर। मैं सलमान बिश्नोई और हमारा आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है स्पेशली प्रीमियर क्लासों के लिए है। तो आज हम जिसे हम अल्फ़ाबेट्स यानी जो हम वर्ण बोलते हैं और जिसे हम ए बी सी डी बोलते हैं, उनके पूरे समूह को हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो हम आज उनको लिखने का ढंग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए से। ए को अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे हमारी जो नोटबुक होती है उसमें ऐसे ही फोर लाइन्स होती है जिन्हें हम लगभग मतलब 90% सारे लेटर्स होते हैं हम तीन लाइनों में लिखते हैं स्टार्टिंग की। तो हम ये जो स्मॉल ए है उसे हम बीच वाली दो लाइनों में लिखेंगे। देखिए आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ सही से, ऐसे किया एंड देन ऐसे। मैं एक बार आपको कैपिटल भी लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे, देखिए आधा राउंड बन गया। देन इस लाइन को आपको यहाँ तक लेके आना है, स्ट्रेट हो गई एंड देन इसको ऐसे कर देना है। ओके, वही अगर हमें कैपिटल लेटर लिखना है अगर एक हमें, तो कैपिटल यानी बड़ा, तो हम लिखेंगे कैपिटल जो है स्टार्ट वाली तीन लाइन में लिखा जाएगा। तो हमें इस टाइप कुछ करेंगे और देन इसको थोड़ा सा यहाँ से मोड़ देके ऐसे लाइन बना देंगे। मैं आपको बड़ा लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कोई भी अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे हम हाउस बनाते हैं उसकी जैसे हम डोर बनाते हैं ऐसे इस टाइप बनाते हैं, तो वैसे हमें ए को बनाना है और फिर उसके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ओके, वहीं अगर हमें कर्सिव राइटिंग यानी थोड़ा स्टाइलिश टाइप में लिखना, थोड़ा सुंदर टाइप में लिखना, तो हम कर्सिव में स्मॉल ए को लिखना है। तो हम स्मॉल ए कर्सिव में भी इन दो में ही लिखेंगे, ऐसे देन ऐसे और फिर ऐसे। एक बार आपको बड़ा लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा मोड़ दिया, ये देखिए ये देख रहे हैं ये ऐसे आ गई, यानी इस शेप में आपको देना है पहले। देन आपको इसको यहाँ पे ऐसे वापस लेके जाना है ऐसे एंड देन इसको यहाँ पे देके मोड़ कर देना है। बस इतना सा फ़र्क है कि इसमें जो हमारा जो सिंपल ए था उसमें आगे मोड़ नहीं आएगा, और आप देख रहे होंगे कि ये जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। वहीं अगर हमें कर्सिव में कैपिटल ए को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, अंडरस्टूड एक बार वो बड़ा लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे है, इसको हमें ट्राइंगल शेप में बनाना है। फिर ये जो है इसको ऐसे ही ऊपर लेके जाना है, देन इसको ऐसे राउंड देके यहाँ पे ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट हम सीखेंगे बी। हम सीखेंगे अब बी को। बी को हमें स्मॉल लिखना है सिंपल राइटिंग में, तो हम लिखेंगे बी जो है वो स्मॉल हो जाए पर इन तीन लाइन में लिखा जाएगा। हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, देन ये जो नीचे वाला जो दो लाइनें होंगी हम उनमें एक आधा राउंड बना देंगे। एक बार आप वापस लिख के दिखा देती हूँ, ये देख ऐसे है, देन हमें ऐसे ऐसे नहीं कि इसको पूरा राउंड बनाना है, नो, हमें ये लाइन जो है जहाँ तक ये लाइन ख़त्म हो रही है हमें इसको टच करके एक राउंड बनाना है। वहीं अगर कैपिटल बी की बात हो यानी बड़ा बी, मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो हम लिखेंगे कैपिटल बी को भी हम इन तीन लाइनों में लिखेंगे स्टार्टिंग वाली, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आधा राउंड और यहाँ पे आधा राउंड। ये जो बी है स्मॉल बी और कैपिटल बी, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो हमारा स्मॉल बी था उसमें सिर्फ एक साइन राउंड आया था, और जो कैपिटल बी है उसमें से दोनों साइड राउल आ रहा है। अब आपको वापस बी कैपिटल बी लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे किया, फिर इससे आपको अटैच होके इसको ऐसे जाना है। ओके, देन अगर हमें कर्सिव राइटिंग में लिखना है या स्टाइलिश टाइप में लिखना है तो हम स्मॉल बी को तीन लाइनों में लिखेंगे स्टार्टिंग वाली जो होगी हमारी। हमें यहाँ से इसे मोड़ देना है,
देन ऐसे और फिर ऐसे अंडरफुट। एक बार आपको वापस कैपिटल लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे है, इसको ऊपर गया, ये देख रहे हैं आप, देन इसको यहाँ से मोड़ दे के ऐसे और फिर ऐसे कर देना है। वही अगर हमें कैपिटल बी की बात हो, अगर हमें लिखना हो कसरेटी में, कैपिटल बी जो है इसमें टू टाइप से लिखे जाते हैं स्टाइलिश में। पहला टाइप जो है एक लाइन, देन इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ यहाँ से कनेक्ट होके देना है और फिर ऐसे। एक बार आप कैपिटल लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए इस टाइप है, इससे ये देखिए अटैच होके ऐसे जाएगा और फिर इसको ये, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो है इसमें सिर्फ एक लाइन आया है और इसमें इससे अटैच होके इससे दो लाइन आई है। और वहीं अगर दूसरा टाइप हम बात करें स्टाइलिश बी का, तो हम लिखेंगे एक लाइन, देन इसको थोड़ा सा बाहर निकालना है हमें। समझ में आया क्या फ़र्क है इसमें? ये सिंपल बी है, ये इस टाइप है ये वाला जो बी है, बट वहीं अगर दूसरे वाला जो बी है हमारा, वो जो है वो इस टाइप है कुछ, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी ये वाली जो चीज़ होगी इसकी। ओके, हमारा बी क्लियर हो गया, सी के ऊपर चलते हैं। सी जो है बहुत ही इजी है, आपको मिलते सब ज़्यादा इजी सी ही लगेगा। फोर लाइंस जो स्मॉल सी है वो इन दो लाइनों में लिखा जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आधा राउंड बनाना है, सिर्फ इतना सा है सी में। देखिए ये देखिए हमारा पूरा राउंड जो होता है वो इस टाइप होता है, बट उसी का अगर हमें आधा कर दें, ये देखिए सी बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम इस टाइप बना देंगे, ये रोंग सी होगा, सी जो है इस साइड से बना जाएगा। ओके, वहीं अगर हम कैपिटल सी यानी बड़े सी की बात करते हैं, हम जो कैपिटल सी है वो स्टार्टिंग के तीन राउंड में लिखा जाएगा। ये भी आधा राउंड है, बस कुछ फ़र्क नहीं है कैपिटल सी और स्मॉल सी में। जो स्मॉल सी था वो इन दो लाइनों में आया था, और जो कैपिटल सी है तीन लाइनों में आया था। जो कैपिटल सी है वो भी एक आधा राउंड है, जो स्मॉल सी है वो भी एक आधा राउंड है। वही अगर हम कर्सिव राइट की बात, कर्सिव राइटिंग बात करते हैं, तो स्मॉल सी को दो लाइनों में लिखेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ से थोड़ा मोड़ दिया, देन इसको यहाँ पर लेके गए ऐसे एंड देन ऐसे। ओके, एक बार आपको कैपिटल लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे फिर ऐसे। ओके, ये जो है ये इस वाले से ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अगर आप इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो लोगों को ये ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। वहीं अगर हमें कैपिटल सी को लिखना है कर्सिव राइटिंग में, तो वही चीज़ हम ये जो था ये सेम इसमें लिखा जाएगा, बट तीन लाइनों में लिखा जाएगा कैसे, ये देखिए। अंडरस्टूड, कुछ फ़र्क नहीं था, ये जो स्टाइलिश में था उसमें भी स्मॉल सी दो में और कैपिटल सी तीन में लिखा गया था, बट राइटिंग बिल्कुल सेम थी। और जो कर्सिव राइटिंग है उसमें स्मॉल सी दो लाइनों में और कैपिटल सी तीन लाइनों में लिखा गया है, और बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए बड़ा सी जो है वो इस टाइप कुछ लिखा जाता है, इसी की तरह लिखना होता है, बट वो बस तीन लाइनों में आ जाता है। अंडरस्टूड, देन हम बात करेंगे डी की। डी को अगर हमें स्मॉल लिखना है तो हम तीन लाइनों में लिखेंगे, ये देखिए ऐसे फिर ऐसे एंड देन अंडरस्टूड। एक बार आपको कॉपी लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए आधा राउंड बनाया, फिर इसे कनेक्ट होके एक लाइन जाएगी ऊपर, इसको हम नीचे लाएंगे और बस स्टॉप कर देंगे। ओके, वहीं अगर हमें कैपिटल टी की बात करनी है तो कैपिटल टी बहुत ज़्यादा इजी है। स्ट्रेट लाइन, देन ऐसा नहीं कि हमें बस इतना ही राउंड बनाना है,
ये आपको इससे थोड़ा सा आगे निकालना है, देखिए थोड़ा सा आगे निकालना है, बिल्कुल इससे अटैच नहीं होना चाहिए, इससे मतलब थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा, ये देखिए बस इतना सा आगे होना चाहिए। वहीं अगर हम कर्सिव राइटिंग में बात करें स्मॉल डी की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम स्टार्टिंग में इसको ऐसे मोड़ देंगे, देन ऐसे, फिर वही चीज़ हम करेंगे। ओके, देखिए ऐसे दिया मोड़, फिर इसको ऐसे, ये सी बन गया, हमने जैसे बोला था कर्सिव राइटिंग जो स्मॉल सी होता है वो बन गया। अब हम इसको यहाँ से अटैच होके ये लाइन ऊपर जाएगी और फिर दो लाइन, ये देखिए ये जो है ये इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। वहीं अगर हम कैपिटल डी की बात करें स्टाइलिश राइटिंग में, अब स्टाइलिश मत कहिएगा, दिस कॉल्ड कर्सिव राइटिंग। तो हम लिखेंगे, ये आपको थोड़ा सा लगेगा, देखिए लाइन खींची, फिर यहाँ से हम जो बाकी सारे लेटर थे उनमें आधा मोड़ दे रहे हैं, इसको ऐसे लेके मोड़, फिर ये यहाँ तक जाएगा नीचे, देन ये से एंड देन ऐसे। एक बार आपको बड़ा लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे है, फिर ऐसे मोड़ गया नीचे आया थोड़ा सा, एंड देन ऐसे, अंडरस्टूड। वहीं अगर हम अब ई की बात करेंगे, अगर हम स्मॉल ई को लिखेंगे सिंपल राइटिंग में, तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये हमारा सी हो गया, बस उसके अटैच्ड में ऐसे लिख देना है। बड़ा लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा सी हो गया, हमें बस यहाँ से ई जो होता है उसको यहाँ से मोड़ देना होता है, ये जो है ये सी और ई हो जाएगा, बस आपको सी से ई बन जाएगा। अब अगर हम कैपिटल ई की बात करें, तो हम लिखेंगे ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ऐसे, यहाँ पे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इजी है, देखिए स्ट्रेट लाइन, फिर इसको यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन हो, यहाँ पे एक लाइन, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब वही अगर हम स्मॉल ली को स्टाइलिश शटी में लिखें, तो हम देखिए पिछली बार जो था हमने सिर्फ ऐसे इस टाइप राउंड दिया था, बट इस बार हम इसको पूरे को राउंड दे देंगे। बड़ा लिख के दिखा देती है, देखिए इस टाइप लिखते हैं हम। ओके, अंडरस्टूड। वही अगर मैं कैपिटल ई को लिखना है स्टाइलिश राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में बोलेंगे, स्टाइलिश नहीं, देखिए तीन लाइन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखिए ऐसे, देन ये यहाँ से मोड़ गया, ये अब आपको बस इतना याद रखिए, जो स्मॉल ई होगा ये ऊपर इतना सा लिख दीजिएगा, देखिए स्मॉल ई लग रहा है, इसको आपको ऊपर वाले पार्ट में लिखेंगे, फिर इसको यहाँ से अटैच होके थोड़ा सा सी बना देंगे, बस वेरी सिंपल है। आपको बड़ा लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ई बना एंड देन कैपिटल ई बना। हम एफ की बात करेंगे, एफ को अगर हमें स्मॉल लिखना है, तो हम लिखेंगे, हम छतरी बोलते हैं जैसे हम अम्ब्रेला, उसके शेप देखिए आप ऐसे इस टाइप हम कुछ बनाते हैं, वही हमें एफ को बनाना है। तीन लाइन हम लिखेंगे हम जो स्मॉल एफ होगा उससे भी, और बीच में लाइन खींच देने, वो सिंपल है, देखिए थोड़ा सा इसका मोड़ देना है ऐसे, और फिर बीच में एक लाइन। वही अगर हम कैपिटल एफ की बात करें, तो कैपिटल ई एफ जो है वो ई का बिल्कुल मतलब सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ई जो था हमारा उसने हमें ऐसे तीन पार्ट थे, बट जो एफ है उसको हम सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये नीचे वाला पार्ट, अगर जैसे आपको कोई पूछे कि इसे हम एफ में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमें बस ये नीचे वाला जो पार्ट है इसे इरेज करना है, दिस कॉल्ड एफ बन जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये।
वहीं अगर एफ को कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे स्मॉल एफ को, ये जो एफ होगा ये चारों लाइनों को कनेक्ट करेगा। अगर आपसे कोई भी पूछे कि पहला अल्फ़ाबेट जो फोर लाइंस का यूज़ करता है, तो आप कहेंगे कि कर्सिव राइटिंग में स्मॉल एफ, याद रखिएगा। देखिए ऐसे मोड़, फिर ये ऊपर तक गया, देन ये नीचे आया, एंड ऐसे। ये आपको थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि पहला लेटर है जो चार लाइनों में यूज हो रहा है। आपको वापस लिख के दिखा देती हूँ, ऐसे मोड़ दिया, फिर ये ऐसे बन गया। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा था मोड़ नहीं देना आपको, थोड़ा सा देना है। फिर इसको नीचे तक ले गए चारों लाइनों तक, फिर इसको ऐसे ऊपर, एंड देन यहाँ से मोड़ दे दिया। अंडरस्टैंड? वही अगर हम कैपिटल एफ को लिखें कर्सिव राइटिंग में, सो कैपिटल एफ भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए ऐसे और फिर ऐसे, तीन लाइनों में लिखा जाएगा। कैसे लिखा था हमने, ये देखिए ऐसे, और फिर इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे लेके आना है, देन इसको ऐसे यहाँ से ऐसे, एंड देन एस बन गया। अब हम जी के बारे में बात करेंगे। अगर हम सिंपल राइटिंग में जी का यूज़ करेंगे स्मॉल, तो हम जो बक्सा लेटर्स थे हमने या तो फोर लाइन में लिखे थे, या फिर ऊपर वाली तीन लाइन में लिखे थे, या फिर इन दो लाइन में लिखे थे। बट ये जो लेटर है वो ना ही फोर में आएगा, ना ही इन दो में आएगा, ना ही स्टार्टिंग वाली तीन में आएगा। ये जो है ये इन लास्ट वाली तीन में आएगा, ये लास्ट वाली तीन है इन में आएगा। ओके, कैसे लिखेंगे हम इसे, ये देखिए ऐसे बनाया, फिर से कनेक्ट होके कुछ ये ऐसे गया, एंड देन ऐसे, और फिर ऐसे ही। ये जो जी है ये आपको ज़्यादातर बुक्स में ही देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग हैं जो इस जी का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे हम, देखिए ऐसे राउंड बनाया, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट होके ये यहाँ तक जाएगा राउंड, और फिर लास्ट में यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दे देना है। ओके, वही अगर हम जी को कैपिटल राइटिंग में लिखेंगे, मैं लाइन थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। देखिए ये ऐसे जाएगा, ये क्या बन गया, कैपिटल सी। इसमें सिंपल राइटिंग में याद रखिएगा, सारे लेटर्स को आपको दिमाग में आप छाप लीजिए। ये देखिए ऐसे, फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक और, एंड देन ऐसे, समझ में आया। ये देखिए ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ओके, वही अगर हम स्मॉल जी को कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे, तो हम नीचे वाले तीन लाइनों में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये सी बन गया, अब इससे इस लाइन कनेक्ट स्टार्ट होएगी, एंड ये नीचे, एंड देन ऐसे। अंडरस्टूड? एक बार वापस बड़ा लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे क्या बन गया हमारा सी। अब ये लाइन जो है ये ऐसे कनेक्ट, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अवर स्मॉल जी इन कर्सिव राइटिंग। अगर हमें कैपिटल जी को लिखना है स्टाइलिश राइटिंग में, तो हम लिखेंगे ऐसे, एंड देन ऐसे। ओके, एक बार वापस लाइन और समझा देती हूँ अभी आपको, ये आपको थोड़ा सा इजीली याद हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा जो बी हमने बनाया था, याद है जो बी हमारे साथ स्टाइलिश राइटिंग में स्मॉल बी, उसकी तरह बन जाएगा हमें यहाँ पे। बट मोड़ नहीं देना, यहाँ से सिंपल लाइन कनेक्ट होके जाएगी, और फिर ये ऐसे हो जाएगी। अगर आप पहले कोई पूछे कि पहला लेटर जो इन चारों लाइनों को छूता है, तो वो होगा एफ, स्मॉल एफ, बट और वो भी किस में, कर्सिव राइटिंग में। बट अगर हमें पूछे कोई सेकेंड लेटर कौन सा है, तो हम पूछेंगे कैपिटल जी इन कर्सिव राइटिंग। नेक्स्ट इज एच, एच को हम लिखेंगे स्मॉल एच को भी हम इन तीन लाइनों में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लाइन खींची, बस यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दे दिया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए लाइन खींची, फिर नीचे वाले दो लाइन होंगे इसमें ऐसे,
मोड ऐसे देना है, बस सिंपल है वो ज़्यादा। वही अगर हम कैपिटल एच की बात करें तो कैपिटल एच तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन और बीच में ऐसे। ये मैं आपको वापस लाइन में समझा देती हूँ। देखिए ये लाइन, एक और लाइन और ये ऐसे। अगर ये मान लीजिए इस टाइप है, ठीक है, हम ए को कैसे बनाया था, यहाँ से ऐसे मोड़ देके बनाया था, वही अगर हम यहाँ से ऊपर वाला पार्ट कट हो जाए तो ये ऐसे बन जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, तो ज़्यादा नीचे लाइन आ गई है, बट आपको इसको थोड़ा सा ऊपर ही बनाना है। ओके, अगर हम बात करें कर्सिव राइटिंग में स्मॉल एच की, तो हम इन तीन आर्म लिखेंगे, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देखिए मोड़ दिया, अब ये जो है इससे से कनेक्ट होकर एक लाइन जाएगी, ये देखिए, और फिर यहाँ से हमें इसे मोड़ देना है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये थोड़ी सिंपल था ये, और ये जो था थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। देखिए ये ऐसे ऊपर गया, ऐसे एंड देन ऐसे। ओके, अगर हम कैपिटल एच को लिखेंगे कर्सिव राइटिंग में तो हम इस टाइप लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मोड़ ऐसे। ओके, ये जो है ये इस टाइप बनेगा, और फिर एक लाइन यहाँ पे सिंपल लाइन खींचनी है, ये जो है ये थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगी और ये सिंपल, और फिर ये जो इस ये तो सेकंड लाइन होती है हमारी लाइन फोर लाइंस में, उससे ये यहाँ से कनेक्ट होके थोड़ा सा ऐसे और फिर ऐसे। अब देखेंगे ये जो दोनों है ये ए से थोड़ा थोड़ा मिलते हैं, ये ए में भी जो था हमने इस टाइप ऐसे मोड़ दिया था, पर हम एच में दे रहे हैं। नेक्स्ट इज आई, आई को अगर हमें स्मॉल आई को लिखना है तो हम इन दो लाइनों में लिखेंगे एक सिंपल सी लाइन और उसके ऊपर एक डॉट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए सिंपल लाइन और उसके ऊपर एक डॉट। ओके, अगर हम कैपिटल आई की बात करें तो हम एक ऐसे लाइन यहाँ पे इसके बराबर में ऐसे लाइन और बीच में स्ट्रेट लाइन। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उसके ऊपर ऐसे नीचे ऐसे, दोनों बराबर बराबर। ओके, अगर हम स्मॉल आई को लिखेंगे कर्सिव राइटिंग में, देखिए इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, तो ध्यान दे देखिए क्या फ़र्क आएगा इसमें। ये देखिए ये ऐसे थोड़ा सा मोड़ हो जाएगा बस। ओके, ये जो आई था वो ऐसे था, इसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे, देखिए ऐसे फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। ओके, वहीं अगर हम बात करें कैपिटल आई की कर्सिव राइटिंग में तो हम इस टाइप कुछ बनाएंगे, एक लाइन फिर ये ट्रायंगल शेप में जाएगा, ये देखिए मैं थोड़ा स्टिल्ट ट्रायंगल बनाना है, पूरा ऐसे स्ट्रेट ट्रायंगल नहीं, थोड़ा सा स्टिल्ट सा बनाएंगे हम, ये देखिए ऐसे ये आई, और फिर इसको ये सिंपल लाइन यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ से मोड़ हो जाएगा। एक बार आपको बड़ा लिख के बता दूँ, ये देखिए ऐसे 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 ही और ऐसे। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको जो भी आपके बारे में अगर अच्छा लगे बुरा लगे आपको जो भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।